तो जब बुराइयां चरम सीमा पे पहुंचती हैं, जब बुराइयां हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं, जब हाथ को हाथ खाने लगता है, तब परलय महाप्रलय का रूप अपने आप बनता चला जाता है। पर मालिक से प्यार करने वाले, भगवान से प्यार करने वाले ना परलय से डरते हैं ना महाप्रलय से, क्योंकि उनका सहारा मालिक होता है। और जिसके ऊपर मालिक का सहारा है वो दुख नहीं पाता, उसकी कुलों का उद्धार हो जाता है। चक्की चलती है, आटा पीसते पीसते रहते पीसते रहते, तो चक्की को उठाते कि अब भाई आटा निकल गया साफ कर लें, उसका ऊपर का पत्थर उठाते एक साइड में रख देते, और क्या देखते, जो दाने गेहूं के दाने या मूंग के दाने या चने के दाने उस धुरे पे जिस पे चक्की घूमती उस धुरे के साथ लग जाते, वो दाने ज्यों के त्यों बच जाते, बाकी सारे पिस जाते, आटा बन जाता। उसी तरह ये कलयुग में काल की चक्की चल रही है, बुरी तरह से बुराइयां बढ़ती जा रही हैं दिन ब रात। जो धुरे से जुड़े हैं, जो अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब की भक्ति विवादत से सच्चे दिल से जुड़े हैं, वही दाने साबुत रहेंगे, बाकी पिस रहे हैं या पिस जाएंगे। ये कलयुग है ही ऐसा। उस धुरे को मजबूती से पकड़े रखो। अगर आप जिंदगी में तमाम खुशियां चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में परमानंद चाहते हैं, तो उस धुरे से जुड़े रहो।